तो दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है और आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है और आप इसे सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जिस ऐप का यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश सुधार सकते हैं और आप इंग्लिश में बोलना सीख सकते हैं। जी हाँ, जिस ऐप का मैं बात कर रहा हूँ, उस ऐप का नाम है ओपन टॉल। ये एक ऐसा ऐप है जिसका यूज़ करके आप लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस तरह से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस ऐप का नाम है ओपन टॉल। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करके इस ऐप को सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपको इस ऐप का लोगो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी के साथ इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको बस इसमें अपना ईमेल आईडी ऐड करना है। उसके बाद आप अपने अकाउंट से रिलेटेड छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके प्रोफाइल की पिक वगैरह, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आप इस एप्लीकेशन में अकाउंट वगैरह बनाने के बाद जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सो, यहाँ पर सबसे नीचे में एक ऑप्शन है, एक होम टैब का आइकन दिया हुआ है। जब आप इस होम टैब वाले आइकन पे टैप करते हैं, तो ऐसे में इस एप्लीकेशन का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर इसी होम पेज में सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स दी गई है, जिसका यूज़ करके आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है फिल्टर्स का। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी लोग ऑनलाइन अभी एक्टिव है इस एप्लीकेशन में और वो लोग किसी से बातचीत करना चाहते हैं, तो वो यहीं से बातचीत करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, जैसे कि फीमेल है, मेल है। तो बेसिकली अगर आप मेल हैं और आपको किसी फीमेल से बातचीत करनी है, तो यहाँ पर आप देखते हैं, आप इस फीमेल वाले ऑप्शन पे टैप कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो कॉल है वो डायरेक्टली किसी फीमेल के साथ कनेक्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन इस फैसिलिटी का यूज़ करने के लिए आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है। जब आप इस फैसिलिटी का यूज़ करते हैं, यानी कि जेंडर फिल्टर का, अगर आप मेल है तो आप फीमेल से बातचीत कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप फीमेल है तो आप मेल से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन का यूज़ करने के लिए आपको इसका प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, जो कि 990 रुपीज़ पर मंथ का है। तो बेसिकली अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है, आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहते हैं और लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसका फ्री मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और इस फ्री मेथड में आपको किसी भी तरह का पेमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको बस यहाँ पर 1-to-1 वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। इसके बाद ये जो फ्री वाला मेथड आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद आपके सामने में जो भी पर्सन अभी एक्टिव होगा, जो भी इस 1-to-1 का यूज़ करके लोगों से बातचीत करना चाहता होगा, उसके थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। सो, अभी जस्ट हमारा कॉल कनेक्ट हो गया था एक पर्सन के साथ, लेकिन सामने वाले पर्सन ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वापस से हम 1-to-1 वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, हमारा कॉल दोबारा से उसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप अपने माइक को ऑफ भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप लाउड स्पीकर ऑन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस पर्सन से बातचीत नहीं करनी है, तो इसलिए आप यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट का ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं रेड कलर का, आप इस पर टैप करके इस कॉल को कट भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी आप इस ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाता है, बस आपको इतना सेकंड वेट करना पड़ेगा, तभी आपका कॉल डिस्कनेक्ट होगा। इसके अलावा इस 1-to-1 कॉल के अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टॉप पिक्स में जो लोग भी यहाँ पर रिसेंट में इस एप्लीकेशन में लॉगिन किए हैं और यहाँ पर इस ऐप में पॉपुलर है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, मैं इसकी प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, इसकी प्रोफाइल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने में ओपन हो चुकी है। आप चाहे तो इस पर्सन से कनेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जब आप इस इनवाइट वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमें यहां पर 290 रुपीज़ का प्रीमियम प्लान लेना पड़ रहा है, तभी हम ऐसा एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम प्लान का भी कुछ है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा फ्री में भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1-to-1 कॉल के अलावा नीचे में बहुत सारे ग्रुप वॉइस कॉल्स हैं। तो बेसिकली ये एक ग्रुप वॉइस कॉल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग, 3 लोग 4 लोग या 5 लोग एक साथ आते हैं और यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होता है, इंग्लिश में बातचीत होती है ग्रुप में, तो आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली
आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं आपको बस सिंपली उस ग्रुप वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, और जैसे आप उस ग्रुप वाले आइकन पर टैप करते हैं आपके सामने में वो जो ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ग्रुप पर क्लिक किया था, इस वजह से हम एक ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 पीपल्स अभी ऑनलाइन है और ये 6 पीपल्स अभी एक दूसरे से इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा लिसनर्स में आप देख सकते हैं अभी सिर्फ हम यहाँ पर इनिशियल्स में हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर जब ये जो स्टेज है यहाँ पर अगर पीपल्स यहाँ से लीव करते हैं जब ये सीट खाली होती है, तो ऐसे में आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर टैप करके सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इस रूम का जो ओनर है, जो भी होस्ट है, वह आपको यहाँ पर इस स्टेज पर बुला लेगा। ऐसे में आपके जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद जब आप इस लोगों को ज्वाइन कर लेंगे, स्टेज में आप पहुँच जाएंगे, तो ऐसे में आप भी इन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप यहाँ पर सिर्फ इन लोगों की बातचीत सुन सकते हैं। जब आप लिसनर्स में हैं मतलब आप इन लोगों की बातचीत सुन सकते हैं। इसके अलावा वापस से बैक वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी कई सारे ग्रुप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर आप अपने हिसाब से किसी भी ग्रुप को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप जा करके लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक जो फंक्शन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जब वापस से आप बैक वाला ऑप्शन पर टैप करते हैं तो आप वैसे में आप यहाँ पर इस होम पेज में पहुँच जाएंगे, और इस होम पेज में सबसे ऊपर में आप यहां पर देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ आइकन्स दिए गए हैं, जैसे कि एक आइकन है बेल का आइकन है, एक मैसेज का आइकन है। तो जब आप इस बेल वाले आइकन पर टैप करते हैं तो ऐसे में आपने रिसेंट में जितने भी लोगों से बातचीत की है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने में ओपन हो जाएगी, और आप यहाँ पर इन लोगों को रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अभी जस्ट इस श्रद्धा नाम के बॉय से भी बात की थी जस्ट, तो आप इसको रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। ये बेसिकली फेसबुक की तरह ही है, जैसे फेसबुक में रिक्वेस्ट होता है सेम यहाँ पर भी रिक्वेस्ट है। जब सामने वाला पर्सन आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो ऐसे में आप लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं और आप इसे जब मन तब बातचीत कर सकते हैं। तो वापस से बैक वाला ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन है, वो है मैसेज बॉक्स का एक आइकन दिया हुआ है। सो जब आप यहाँ पर इस मैसेज वाले आइकन पे टैप करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है चैट का। तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट को जिन जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, यानी कि जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में एक्टिव है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में एक पर्सन है जिसको मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया था और उस पर्सन ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट वाले ऑप्शन में वो पर्सन आपको शो करेगा। आप इस ऑप्शन पर टैप करके उसकी प्रोफाइल को भी चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर इसका मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं वो पर्सन कितनी देर पहले ऑनलाइन था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर्सन अभी जस्ट ऑनलाइन शो हो रहा है, तो मतलब ये ऑनलाइन है और इससे आप अभी बातचीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी आप इस ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है रिकमेंडेड का। तो जब आप इस रिकमेंडेड वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो ऐसे में आपने अभी रिसेंट में जिन जिन लोगों से बात किया है उसकी डिटेल्स, उसके सारे लिस्ट यहाँ पर आपके सामने में ओपन हो जाएगी, और आप यहाँ से उन सभी को रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि इस ओपन टॉल का यूज़ करके आप कर सकते हैं, और इसके अलावा इस ऐप का यूज़ करके आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर 1-to-1 टॉक करके अपने इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।